शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दशमलव की तुलना। आज हम लोग दशमलव की तुलना को जानेंगे, लेकिन इस सारे वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले, तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है आओ करें, नंबर वन लिखा है दशमलव की तुलना करें, बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। तो अब देखिए ये आपका 0.5 है और ये आपका 0.05 है। तो देखिए 0.0 हो गया, यहाँ देखिए कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है। तो बस आप इस पे ही गोला कर देंगे कि मैम यही वाला बड़ा है। ठीक है, अगला आपका क्या देखिए लिखा है 1.23 और यहाँ लिखा 1.2। तो देखिए 1 सेम हो गया, 2 सेम हो गया, 3 अकेला बचा, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, इसको आपने गोला कर दिया। ठीक है भाई, इसमें 3 एक्स्ट्रा, यहाँ तो 0 ही आ सकता है, तो ये 23 है, ये 20 है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इस पर आप गोला कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 0.07 और यहाँ लिखा 0.02। तो अब देखिए 0.0 सेम है, 0.0 सेम है, यहाँ 7 है, यहाँ 2, तो कौन सा बड़ा होगा? 7 बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से लिखा है यहाँ 0.3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ 0.8, तो अब बताइए कौन सा बड़ा हुआ? जाहिर सी बात है 3 बड़ा हुआ, 8 तो छोटा है, इसको सर्कल कर लेंगे आप। तो इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है दशमलव की तुलना सही चिन्ह लगाकर करिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अगर कोई बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खोलना, और अगर बराबर का है तो इसे बराबर का निशान लगाना है। अब आपका क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है 0.7 और यहाँ लिखा 0.17। तो देखिए 0.0 सेम है, पॉइंट सेम है, अब यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, बस, तो आप इस तरफ मुँह खोल देंगे। इस तरह से देखिए क्या लिखा है 0.20, यहाँ लिखा 0.2, तो अब देखिए इसके पीछे भी हम 0 लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेम हो गया, बिल्कुल बराबर, तो हम बराबर का निशान लगा देंगे। ऐसे अगला क्या लिखा है 0.9 और उसके बाद क्या 0.19। तो देखिए ये 0.0 हो गया, यहाँ 9 और 1 है, तो अब कौन सा बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा भाई, यहाँ हम 0 लगाएंगे तो ये 90 होगा, ये 19 है, तो कौन सा यही बड़ा हुआ, तो हम इसकी तरफ ही मुँह खोल देंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपका देखिए यहाँ क्या लिखा है 0.05 और यहाँ लिखा 0.5, है ना, तो अब बताइए 0.05 बड़ा हुआ या 0.5 बड़ा हुआ? देखिए 0.0 हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, और यहाँ अगर हम 0 लगा दें तो भी, तो ये क्या है 50 और ये क्या है सिर्फ 5, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला, तो इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। ऐसे देखिए यहाँ लिखा है 0.68 और यहाँ लिखा है 0.86, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, जाहिर सी बात है 86 यानी 86 बड़ा होता है, 68 छोटा होता है, तो आप इस तरफ मुंह खोल देंगे, आसानी से कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखना है। चलिए तो इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आराम से, यहाँ देखिए 1.09 है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है 1.9, फिर ये 2.03, फिर 2.05, फिर 3.5 और ये 4.9। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले ये आपके दोनों आते हैं 1 के, अब देखिए यहाँ है 1.09 और यहाँ है 1.9, तो अब दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ यानी ये छोटा हुआ, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, देन उसके बाद इसको लिख देंगे। ठीक, 2 लिख दिए अब हमने, अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए ये दोनों आपके 2-2 के हैं, ठीक है, तो ये पहला और ये दोनों 2 हैं, यहाँ दोनों 0 हैं, ठीक, दोनों बराबर हो गए। अब ये 3 है, ये 5 है, तो अब इन दोनों से कौन सा छोटा हुआ? ये छोटा हुआ, ठीक, तो इसको पहले लिखेंगे, ये 5 वाला उसके बाद आ जाएगा। अब ये 3 है और ये 4 है, तो ये दोनों लाइन से आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 0.0 है, 2.0 के, ये 1.1 के 3 है, तो इनका अलग ग्रुप बन गया, इनका अलग। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो देखिए 0.09 है, ये क्या है 0.09, ठीक है, और ये क्या है 0.99। तो देखिए ये 0.0 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 0 है और ये 9 है, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक, ये पहले लिख दिया आपने, उसके बाद ये वाला आ गया, 2 हो गए। अब आगे चलते हैं, अब देखिए आपके ये तीनों 1.1 के हैं, तो देखिए ये 1.1 और 1, ये तीनों 1.1 बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा इन तीनों में ये हुआ, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों का देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो दोनों में 9 है, तो दोनों यहाँ पे बराबर हो गए। यहाँ 9 है, यहाँ 3, तो ये 3 वाला छोटा हुआ, इसलिए हमने इसको पहले लिखा और ये 9 वाले को उसके बाद में लिखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते से छोटा, यानी कि सबसे बड़ा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़े को हम पहले लिखेंगे, उससे छोटा ऐसे करेंगे। चलिए इसको भी आंसर शीट पर देख लेते हैं। देखिए अब इसमें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है। तो ये देखिए ये तो 2-2 हैं, ये तो छोटे हो गए, इन दो ये 2 हैं आपके। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब आप देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 4 वाला, तो हमने इसको पहले लिखा, इसको नहीं इसके बाद लिख दिया। ठीक, अब आ जाइए यहाँ 2 वाले पे, तो अब देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो सबसे बड़ा हुआ 9 वाला,
उसके बाद हुआ 8 वाला और उसके बाद हुआ 5 वाला। तो इस तरह से हमने लिख दिया, तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। ठीक, अब इसमें से आप देखिए, यहाँ आपका ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक, ये 8 है और ये 8 है, तो 8 वाले बड़े हो गए आपके, यानी तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको लिखा, जस्ट उसके बाद इसे लिख दिया। अब आप देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक, तो अब क्या होगा, 6 6 6 सेम रहेंगे, जबकि अब अगले नंबर पर देखें तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, देन यहाँ 5 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, उसके बाद 8 वाला आएगा और उसके बाद 5 वाला आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।